आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला सिंपलाइजेशन। और अक्षित जी और विनायक जी दो लोग ज्वाइन है हमारे साथ। तो फॉर्मूला सिंपलाइजेशन कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि फॉर्मूला लगाने का एक ट्रिक्स है। कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े फॉर्मूले को लगाने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला सिंपलाइजेशन। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि आपको बहुत बड़ी बड़ी फॉर्मूले उसके कैसे सिंपलाइज करेंगे, वो चीजें यहाँ पे आती है फॉर्मूला सिंपलाइजेशन में। तो चलिए कुछ फॉर्मूले के ट्रिक्स को जानते हैं। उससे पहले हम जानेंगे डिफाइन नेम को। जैसे एक एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि A1 से लेके D8 है हमारा। A1 से D8 C21 A1 से D8 अभी एक्सेल समझ रहा है। अगर मैं डिफाइन नेम में गया और डिफाइन नेम में मैंने कर दिया, यहाँ पे नाम दे दिया डेटा, अब लोग इसको डेटा के नाम से जानेंगे। मतलब अगर मुझे सम करना है तो मैं यहाँ पे डेटा लिखूंगा और उसको सिलेक्ट कर लेगा। ना कोई फ्रीजिंग का झंझट, ना कुछ का झंझट, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो नेम मैनेजर काम होता है एक कस्टम रेंज को डिफाइन करना, लेकिन हम इसके अंदर में फॉर्मूले भी, उसके अंदर में डेटा भी रख सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसमें एक चीज को कई जगहों पे रखना है, तो उसके लिए बार बार आपको चेंज करना है, तो हर बार आपको चेंज करना होगा। तो उस चीज में भी हमारा एक्सेल जो है हेल्प करता है, नेम मैनेजर हेल्प करता है। सपोज एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मुझे डेटा यहाँ पे नहीं रखना है, मुझे डेटा उसके अंदर रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी और यहाँ पे लिख दिया मैं नेम, राइट सर? नेम नहीं करते, एक काम करता हूँ, यहाँ पे आईडी हो जाएगा और यहाँ पे हम रख देते हैं अमाउंट। तो हमारे पास क्या है, कुछ आईडी है, जैसे कि 1 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, ऐसे इनके हमें, हमारे पास इनके अमाउंट्स है। तो कुछ आईडी है, ऐसे आईडीज है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होता है कि मैंने 1 लिखा और मुझे यहाँ पे वी लुकअप लगाना होता है। वी लुकअप, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ (2, 0), तो क्या होता है, अमाउंट आता है। फिर नंबर चेंज होता है तो अगली अमाउंट आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा हमें कहीं रखना पड़ रहा है, किसी किसी एक सीट के कुछ एरिया को रिजर्व करना पड़ रहा है, मैं चाहता हूं इसको फॉर्मूले में ही रख दूं। इजीली उसको कोई देखना पाए, फॉर्मूले में ही होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन, यहाँ पे डिफाइन नेम नेम में जाते हैं और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया और यहाँ नीचे यहाँ कर्ली ब्रैकेट में हम सारे लिख देते हैं, देखिए 1, 5 to 4। अब 5 to 4 के बाद हमारा क्या है, 5 है जो कि रो है, तो सेमी कॉलम। तो यहां देखिएगा कॉलम, कॉलम के लिए, मतलब कि कॉलम के लिए हम यूज करेंगे कॉमा एंड रो के लिए यूज करेंगे सेमी कॉलम। 2, 365, (6), ये आपका आता है 2, 5, 2, 6, 5, 6, 2, 6, 5, 6 (8, 62), सेमीकॉलन, ये आपका आता है 9, 9, 25, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे 6 दिया और यहां पे लगाता हूं वी लुकअप, वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसमें दे दिया अमाउंट, अमाउंट (2, 0) और रिजल्ट आपके सामने। इसको रखने की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर सकते हैं। समझ में आया अक्षित जी एंड अभिनायक जी? जी। और अखिल जी, आपको समझ में आया? चलिए, तो एक ही एग्जाम्पल है, हम जरूरी नहीं कि हम डेटा को रखें, हम फॉर्मूले को भी रख सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, किसका,
जीरो टू 40 हो तो 500, 41 टू 80 हो तो 1000, 81 टू 100 हो तो 2000, 2500 जो भी लिखना है, ग्रेटर देन 500 तो 5000। इसके लिए हमने कॉम्प्लिकेटेड इफ का फॉर्मूला लगाया था ना, याद होगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे आ जाएगा 500, फिर कॉमा हमने इसको सिलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000। फिर इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू अगर 1000 है तो 2500, अदरवाइज 5000। अब क्या है कि ए फॉर्मूला आपने तो लगा लिया, आप चेंज कर लेंगे, लेकिन होता है क्या है कि मान लीजिए कि आपके कोई कलीग हैं या आपके जूनियर हैं या आपके सीनियर हैं, उनको एक्सेल में उतना अवेयरनेस नहीं है, एक्सेल उतना अच्छे तरीके से आता नहीं है, तो उनको तो उनके लिए तो बहुत बड़ी फॉर्मूला होगी ना। फर्स्ट टाइम आपने ही सीखा होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा विनायक जी, अनक्षित जी, अनखिल जी। जी सर, जी सर, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलाइज करेंगे, इसको हम कॉपी कर देते हैं, और कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं डिफाइन नेम में, और डिफाइन नेम में दे देते हैं INC, मतलब इंसेंटिव, और यहाँ पे हम इक्वल उसको पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, दो 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 इक्वल हो गया, एक इक्वल होना चाहिए था। हम पेस्ट कर दिया, याद ध्यान रखिएगा कि इसमें डॉलर साइन होना चाहिए, क्योंकि इसको नीचे तक ड्रैग भी करना है हमें, इसे डॉलर साइन नहीं होना चाहिए। डॉलर साइन किस में नहीं होना चाहिए, रेफरेंसेस में। हो गया, अब मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिख देता हूं, और फिर मैं इसी जो INC फॉर्मूला लगाता हूं, INC, और एंटर, कुछ देने की जरूरत नहीं है, एंटर मारेगा और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, आपका रिजल्ट उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, हेलो, जी सिंपल हो गया ना सर। INC कोई लगा सकता। अब इसकी बाउंडेशन क्या है समझिए, सबसे पहला बाउंडेशन ये है कि ए इसी जस्ट इसके बगल में ही लगेगा, INC फॉर्मूला जस्ट इसके बगल में ही लगेगा, समझ गए। आप चाहेंगे कि ऊपर लगाएं तो ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि ए इसके अंदर जो है INC फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है कि बग अलग से बाय डिफॉल्ट तो पकड़ लेगा, तो ये बाउंडेशन है। दूसरी, अगर आप कुछ चेंजिंग कर दे, मान लीजिए कि 2500 नहीं, यहाँ पे 2000 होना चाहिए, तो अब यहाँ आप जो है मनी मैनेजर में जाके आप अपने INC को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे 25 को 2000 कर दीजिए और ओके कीजिए। अब आपका क्या हुआ कि जहां जहां ये आप जहां जहां INC फॉर्मर लगा हुआ है वो सब जगह चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट शीट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं लगा सकते हैं, एक फिक्स होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, इसी में हम आगे बढ़ते हैं, याद होगा कि हमने एक काम और किया था, हमने स्लैब इंसेंटिव दिया था कि 0 से 40 हो तो 50 रुपीज पर यूनिट, 41 टू 80 हो तो 70 रुपीज पर यूनिट, स्लैब मतलब इंसेंटिव था। 81 टू 100 हुआ तो 85 रुपीज, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो हमने बोला था 100 रुपीज। मतलब कि किसी ने अगर 45 सेल किया है, 42 सेल किया है, तो उसको 40 मल्टीप्लाई बाय 50 होगा, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 70 होगा, कि जो जिस स्लैब में जाएगा उस स्लैब का उसका मिलेगा, और उतने पैसे मिलेंगे, देखिए 140 मिलेगा। तो इंसेंटिव में दिक्कत है यहाँ पे कि भाई कैसे होगा, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे आके करते हैं। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ध्यान रखिएगा लगाते समय कर्सर उसी के साथ सामने जहां वैल्यू आना चाहिए वही आना चाहिए सर, उसी हिसाब से पिक करेगा वो। फिर मैं डिफाइन नेम पे आता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ INC2।
ठीक है सर। और यहाँ पे ई रत्नो फॉर्मूला, इसमें अब जैसे स्लैब है तो मैं इसको अलग अलग स्लैब कर देता हूँ ना, इसमें मैं कर देता हूँ मतलब कि कंडीशंस अपने हिसाब से आप लगाना चाहते हैं लेकिन स्लैब के अकॉर्डिंग चले, तो वो इजिली करने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये आपका आ जाएगा स्लैब वन। पहली स्लैब में क्या है, पहली स्लैब में है कि 65 × 50, और ध्यान रखिएगा K2। हाँ K2, इसमें स्पेस, इसमें क्या बोलते हैं एरो की नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। हमने बोल दिया K2 × 50, ओके। फिर हमने दूसरा डिफाइन किया स्लैब टू, और स्लैब टू में क्या है, स्लैब टू में है भाई क्योंकि अगर 40 पार करेगा तो 40 है ही है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि 40 × 50 प्लस हमने बोला कि K2 − 40, और फिर हमने बोला कि × 70। ये हमारा स्लैब टू डिजाइन हो गया। फिर हम डिफाइन करते हैं स्लैब थ्री। स्लैब थ्री में क्या है हमारा, स्लैब थ्री में है कि 40 × 50 प्लस अगेन हमारा कहां तक है 80, हाँ 40 × 70 प्लस, और हमने बोला इसमें बोला कि K2 − 80 दैट इज × 85, क्योंकि थर्ड थर्ड स्लैब 85 का है। और फिर वापस डिफाइन नेम में हमारा स्लैब फोर, स्लैब फोर हमने बोला 40 × 50 प्लस अगेन 40 × 70 प्लस 20 × 85 प्लस, और फिर हमने बोला K2 − 100, और जो आए उसको डिवाइड × 100। आई नो, अब मैं यहाँ इफ लगाऊंगा तो कंडीशन दूंगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो अब यहां पे हमें क्या करना है, हम इसको फॉर्मूले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्लैब वन। फिर इफ फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे कि इफ अगर इसको सिलेक्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू 80 तो स्लैब टू, फिर इफ इसको सिलेक्ट किए लेस देन इक्वल टू 100 तो स्लैब थ्री, अदरवाइज स्लैब फोर। हेलो जी सर, समझ में आया? हाँ हाँ सर, एकदम तो फॉर्मूला सिंपलाइजेशन समझ में आ रहा है ना सर? देखिए फॉर्मूला सिंपलाइजेशन रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट पे जाने के बाद आप जो है स्प्रेडशीट सॉल्यूशन में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि इसमें मान लीजिए मैं लोन ऑथराइजेशन ले लेता हूँ, चलिए ऐसे बहुत सारे हैं, हम लोन ऑथराइजेशन ले लेते हैं। अब इसमें देखिएगा बहुत सारा यूज है किसका, नेम मैनेजर का। अब ये लोन ऑथराइजेशन लोन क्या है कि इसमें क्या है कि लोन का शेड्यूल निकलता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 50,000 लोन लिया, इंटरेस्ट रेट 7% है, लोन पीरियड 3 साल का है, महीना में 12 पेमेंट हो रहा है, और लोन स्टार्ट कट से है अभी से है। अब एंटर जैसे मारेंगे तो आप यहाँ देखिए कि लोन कैलकुलेट हो गया है भाई टोटल शेड्यूल पेमेंट कितना है, मतलब कि ईएमआई कितनी है, तो ईएमआई है 1543, टोटल लोन पेमेंट 3600 होगा, एक्चुअल पेमेंट 3600 होगा, शेड्यूल एक्चुअल दोनों 3600 है, और यहाँ पे आपका 5578 रुपये। जैसे मान लो कि डाउन पेमेंट आप दे रहे हैं, माने आपको 5000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया गया है, एक्स्ट्रा, तो ये इसके ऊपर चलता है। और इसके अंदर देखिए आप
पूरा लोन की कैलकुलेशन है। तो इसकी फॉर्मूले को देखिए सर, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टोटल पेमेंट, यहाँ इसके ऊपर देखिए क्या है कि एंड पे नम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, शेड्यूल पे प्लस शेड्यूल एक्स्ट्रा पेमेंट ग्रेटर देन बिगिनिंग बैलेंस, शेड्यूल एक्स्ट्रा पेमेंट दिख रहा है आपको सर, ये क्या है, ये नेम है, जैसे इसको क्लिक कीजिए, इसका नाम है लोन अमाउंट, इसका नाम है इंटरेस्ट रेट, इसका नाम है लोन पीरियड लोन ईयर, इसका नाम है नंबर ऑफ पीएमटी, और इसका नाम है लोन स्टार्ट, इसका नाम है शेड्यूल पेमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट, ठीक है ना आपको सर। हर सेल का अलग अलग नाम दिया गया है और नेम मैनेजर में जाके आप सारे नाम देख सकते हैं, और सारे बहुत सारे कैलकुलेशन यहीं पे कर दी गई है। जैसे देखिए बिगिनिंग बैलेंस, तो बहुत सारे यहीं पे किया गया है, तो और वहां पे जस्ट कॉल कर लिया गया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको इफ का कंडीशन, इसने यहाँ ही लगा दिया लास्ट रो के लिए, ठीक है सर। तो जो आप बड़े बड़े फॉर्मूले, देखिए मैच का फॉर्मूला नंबर पे, मैच का फॉर्मूला यहीं पर लगा दिया गया है, और एंड बैलेंस ऑलरेडी आपका ए है, मतलब कि नेम है, ऑफसेट फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहीं पर लगा दिया गया है, समझ रहे हैं सर अक्षित जी? जी सर। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आया कि नेम मैनेजर्स को या मेरी जो भाषा हम बोले फॉर्मूला सिंपलाइजेशन में थर्ड को क्या क्या रोल है, क्या इस्तेमाल है जी। और क्या बेनिफिट्स है। अक्षित जी, अब नायक जी, अखिल जी। जी सर। जी सर। तो जब आप कॉम्प्लिकेटेड और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है, और ये जो नेम जो फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, ये नाम मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि ये मैं नहीं कर सकता कि इसका यूज मैंने शुरुआत की थी, ठीक है ना, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे गूगल पे बहुत जगहों पे सर्च किया था, मुझे नहीं मिला था। फाइनली कुछ दिनों बाद जब मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट किया तो मुझे यहाँ मिला था, लेकिन इससे पहले मैं यूज कर चुका था, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने शुरुआत की थी। लेकिन फॉर्मूला सिंपलाइजेशन नाम मैंने दिया है और इसको यूज जो है मैं और हमारे स्टूडेंट काफी दिनों से करते आ रहे हैं सर। तो अब मैं चाहता हूं कि आप जो है क्या करें कि मुझे फॉर्मूला सिंपलाइजेशन के या फिर नेम मैनेजर को फॉर्मूला में यूज करने के 15 से 20 एग्जाम्पल बनाए, ताकि आपको समझ में आए कि इसका रोल क्या होता है, क्योंकि आगे चल के एरे में हम इसका यूज करने वाले हैं। तो एरे एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, उसको समझने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या बोले रक्षित जी? जी सर। तो मुझे 10 से 15 एग्जाम्पल बना के दीजिए, अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग फॉर्मूले अभी तक आपने यूज किए हैं, बनाए हैं, उन्हीं फॉर्मूले में आप जो है इस्तेमाल कीजिए और मुझे बता के बना के बताइए। ठीक है सर। ठीक है एकदम सर। ओके।